वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तलहा अंजुम के जो एक ऑडियो सॉन्ग आए थे करासी मेरा, तो उसके ऊपर मैं आज रिएक्ट करने वाली हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप इसके ऊपर रिएक्ट कीजिए, तो आज आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। और आप मेरी दूसरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। चलिए कराची ही मेरी पैदाइश थी, कराची ही मेरी रिहाइश थी, प्रीडी पुलिस लाइन से नुमाइश चौक, कराची भी एक आजमाइश थी। पढ़ते थे फायर इधर हर तरफ, भाई लोग की अपनी रिवायत थी, बात करते थे वो बाद में, उनको लंदन से हिदायत थी। मैं जाता लंदन पीता हूँ वेलायती, साथ ही माइती फैक्स छोटे फैक्स, मैं नहीं कर रहा कोई गायकी, ये अकड़ तुझ में गायकी। मैं 16 साल की उम्र में दे चुका दादे को गुसल, शिट वाज रियल मेरे लिए उस दिन से जिगर, तू किधर है? मैं सीधा फ्यूरर से पेप्सी, भाई किधर है तू? क्या हम जिधर है क्या उधर है तू? अगर उधर नहीं तो उधर ही रह, जिधर है तू समझाना ये। सालों साल से जो साथ उनको शार आउट, तुम नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो नो डाउट, ये गेम होता काफी बेसिक, बड़े बोल से तौबा बट लेट्स फेस इट, इन्होंने नहीं बनाए गाने ज़ैनब पे, इन्होंने नहीं उठाए मिलियन ऑर्गेनिक, मैं लीनियंसी दे रहा इस टेप पे, कहने को बहुत कुछ है लेकिन छोड़ रहन दे, गैब के खेल हैं ये समझ तुझे आए ना, मैं भी तो हूं ना इस मुआशरे का आईना। मुल्ला हिज़ा फरमाए मेरी कलाकारी, आई कट यू मदरफकर्स हाथ में मेरे कुल्हाड़ी, लकड़हारे की तरह मुझे मिली एक परी, मैंने मांगा नहीं कुछ ख्वाहिशें हैं मुर्दा मेरी। नशा मेरे खून में था, मेरे बैग में थी सिगरेट और मैं स्कूल में था, बाप से कुट पड़ी पर मैं सुधरा नहीं, लाख कांड किए माँ कहती मैं बुरा नहीं, मैंने बुरा देखा बुरा सुना बुरा लिखा, जो तुझे बुरा लगा वो सब मैंने जी के देखा, हर कड़वा घूंट मैंने पहले नीट पी के देखा, सीखे दिखा जो फटा है तू सीखे दिखा, तू लेके दिखा भाई तेरा है तो लेके दिखा, मुझे चढ़ाने वाले मेरे गवाह रहे गवाह, मेरे दर्द की नी दवा मौला मदद कर, तेरा आसरा तो किसी से ना लगे डर। कराची मेरा, कराची मेरा, मेरी हसल रुके नहीं नहीं नहीं, सालों साल से मैं यहीं यहीं यहीं, कराची मेरा, कराची मेरा, मेरी हसल रुके नहीं नहीं नहीं, सालों साल से मैं यहीं यहीं यहीं। पत्थर उठा नीचे रैपर ऐसा दौर है, खाली बर्तन सारे बिला वजह शोर है, जोर है कायम लाले आज भी, दुनिया बड़ी भैंचोद always trying to dodge me, जिंदगी सजा हुई अनहोनी हो गई, जो होनी थी वो ना हुई, जिंदगी सजा हुई किस जुर्म की ये बता, God I need a miracle I believe in मौजज़ात, मकफाते अमल that shit is real son, I'm running laps on this beat like I'm Hamilton, envious rappers हो रहे envious,
छोड़ो भाई, I won't even state the obvious. Real hip hop is dead. I'm just a ghost, bro. I'm friendly though, तो हम बन सकते हैं दोस्त, bro. Appropriate. गाने नहीं appropriate. I pull up like Taliban, तुम भागो like Soviets. Knowledge is power. I'm politically knowledgeable. When I take shots, I leave rappers inhospitable. It's hard to deal with all the shit I've been through. Give me some space, let a real rapper come through. Shout out to the fans, जो है साथ पहले दिन से. Loyalty is everything, हम साल नहीं गिनते. अगर मैं ना बचा तो कह देना मैं लड़ा था. ना कहना बेवफा, मैं वफा में ही मरा था. मैं जरा सा भी रह नहीं सकता ऑफ गार्ड. दिस इज कराची, यू नेवर नो व्हेन शिट पॉप्स. अगर मैं बचा तो मैं शायद जीता रहूंगा. अगर मैं ना बचा तो सदा जिंदा रहूंगा. अगर मैं ना बचा तो मैं अगर मैं ना बचा तो कह देना मैं लड़ा था, मैं डरा नहीं. अगर मैं मर गया तो गवा रहना, मैं वफा में मारा गया नहीं. मैं बेवफा नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं. कोई फर्क नहीं तेरे में और मेरे में, हम दोनों ही उदास. कोई हमें कभी समझाई नहीं. God damn it, तू भी मेरी तरह था, शुरू से बुरा नहीं. गुड किड, कहाँ गई वो फरमा बरदारी. जेबों से निकले मंशियात, पोपो ले तलाशी. But I would never flip on my brothers, fuck the kashi. And I don't pay for sex, मेरे बिल पे नहीं फहाशी. रूपोश, ये राज मुझ में रूपोश. I want to be the best goalie in that blue shirt. Truth told, rip tight, stronghold. कराची मेरा, दिल से ये बात बोलूं लाला. मेहनत का हिसाब कोई नहीं, किसी से सीखा नहीं. हिप हॉप में मेरा बाप कोई नहीं. जिधर है नाम मेरा, उधर तेरा नाम कोई नहीं. बेरोजगार फिरे मिले तुझे काम कोई नहीं. कंपटीशन कोई नहीं, जैसे गेम जाती मेरा. Put it on my grave, bold में कराची मेरा. Yeah, ऐसा लगे मुझे जैसे गेम जाती मेरा. मेरी कबर पे भी लिख देना कराची मेरा. Yeah, कराची मेरा. You already know man. Wow. कराची मेरा. तो गाइस, मैं एक ही बात उनकी ये सॉन्ग सुनने के बाद बोलूँगी, आई एम इंडियन. बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट एडिक्टेड टू हिज सॉन्ग. बट मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनकी. मैं उनके हर एक सॉन्ग अभी सुनती हूँ. मैं उनके बहुत पुराना सॉन्ग जो आए थे वो भी मैं सुनती हूँ. क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके इसके बारे में बोला था कि आप उनके सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करो, और तभी से मुझे पता चला है. पहले मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. और इनके बारे में मुझे अभी तक मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और जितना पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ. तो इनकी आप बीट की बात करो, इनकी रैप की बात करो, और इनकी हर एक म्यूज़िक वीडियो की बात करो, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टोरी ये लोग शेयर करते हैं. कुछ ना कुछ स्टोरी, रियल स्टोरी वो लोग शेयर करते हैं हमारे साथ. तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो उनकी हर एक वीडियो मैं सुनती हूँ, और वो कराची से है. तो मुझे पाकिस्तान के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, कहाँ पे क्या है मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है. तो फिर भी मैं जितना पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलना कि उनके बारे में कुछ ना कुछ मुझे प्लीज़ बोलना, ताकि मैं और अच्छे से उन लोगों को जान पाऊँ. तो यंग स्टनर्स के बहुत सारे वीडियो पे मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ. तो आप लोग अगर नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है. तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये रिएक्शन वीडियो शूट किया है. तो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए. और एक बात मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैं असामीज हूँ और बंगाली में बात करती हूँ, तो मैं प्योर हिंदी में बात नहीं कर पाती हूँ, शुद्ध हिंदी में बोल नहीं पाती हूँ. तो उसके लिए रियली रियली सॉरी गाइस कि मैं आप लोगों को पता नहीं अच्छे से समझा पाती हूँ या नहीं. तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर देना. और आप लोग मुझे कमेंट करके बोलना कि आप ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हो. तो मुझे आप लोग प्लीज़ आप लोग मुझे सिखा देना कि ऐसे बोल सकते हो वैसे बोल सकते हो. मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, बट बोलने में मैं इतनी ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं बोल पाती हूँ.
क्योंकि आदत नहीं था पहले, अभी मुझे धीरे धीरे आदत हो रही है। अभी मैं आ रही थी तो मुझे धीरे धीरे आदत हो रही है, क्योंकि मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। तो बहुत लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं कि हिंदी आपको अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। वो लोग भी मुझे अच्छे से समझा देते हैं कि आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग की चीज माइंड मत करना, आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि जिस तरह आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो एक भाई की जैसा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला फील होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती थी कि मैं आप लोगों को बोल दूँ कि मुझे प्योर हिंदी बोलना नहीं आता, इतना शुद्ध हिंदी में बोल नहीं पाती हूँ। तो आई नो आप लोग समझोगे मेरे बात को, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग हेल्प करते हो मुझे। तो गाइस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मुझसे कमेंट कर जरूर बोलना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।